हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप बार बार जो है हिदायत की और नबी के आने की बात कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई, जब अल्लाह ने 1,24,000 कमोबेश नबी भेजे हैं और अल्लाह ने सबसे आखिर में अपना फाइनल रिवेलेशन यानी कुरान दिया है, तो अल्लाह 1,23,999 बार क्या एक्सपेरिमेंट करके देख रहा था? क्या उसने ये जो फाइनल रेवलेशन आपकी दी है आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये रेवलेशन से पहले 1,23,999 फेल्ड एक्सपेरिमेंट क्यों किया आपके अल्लाह ने? पहले से ही कुरान का मैसेज या पहले से ही वो सिलेबस क्यों नहीं भेज दिया, ताकि सारी दुनिया के इंसान एक ही सिलेबस पढ़ते और उसी पर एग्जाम देते? जी भाई, ठीक है। हाँ समीर भाई, जो है आपने ये जो बात ये कही, जो आपने हम पे इल्जाम लगाया कि जो है आप बार बार गोल गोल घुमा रहे हैं, नहीं मैं बात गोल गोल नहीं घुमा रहा हूँ, मैंने आपका आंसर दे दिया। आपने कहा कि हमको कैसे, जब तक पता नहीं चलेगा, तो मैंने कहा जब तक सिलेबस पता नहीं चलेगा, जब तक कुरान का पैगाम, हिदायत का पैगाम नहीं पहुंचेगा, उससे ये सवाल नहीं होगा कि तुम्हारे नबी कौन थे और तुमने इस्लाम पे कितना अमल किया। उनसे सिर्फ एक खुदा का सवाल होगा। और आपने दूसरा जो हाँ सवाल किया कि जो है कि जितने भी एक्सपेरिमेंट, 1,24,000 नबी आए हैं, वो सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए। आपसे किसने कहा फेल हो गए? जिस जिस नबी के दौर में जिन्होंने जिन्होंने अल्लाह ताला कुरान में पूरी कुरान एक तिहाई हिस्सा जो है इसी पे मबनू है कि जो है जिन लोगों ने भी जो है अपने वक्त के नबी की मानी वो कामयाब हो गए, और जिन लोगों ने भी अपने वक्त की नबी की नहीं मानी, उनकी आयतों को झुठलाया, तो वो नाकाम हो गए। इसी तरीके से जो हजरत ईसा अलैहि सलाम को मानने वाले, जो भी उनको मानते थे, हजरत मूसा को मानने वाले, वो सब कामयाब हो गए, एक्सपेरिमेंट कोई रिजेक्ट नहीं हुआ। इसी तरीके से ये लास्ट रिवेल्यूशन, लास्ट कुरान ही आई है, इसका पैगाम भी वैसे ही है कि जितने लोग इसको मानेंगे, जो भी इसको जो है कुरान को मानेंगे, तो वो कामयाब होंगे, और जो नहीं मानेंगे वो नाकाम होंगे, एक्सपेरिमेंट फेल आपका कहीं टाइम नहीं अभी भी होंगे। एक आपका टाइम अभी भी एक मिनट बाकी है। आपने अभी भी मुझे उसका जवाब नहीं दिया है कि जो इम्पोर्टेंट और फाइनल रेवलेशन है वो अल्लाह ने स्टार्ट में क्यों नहीं भेजी, फिर दोनों का काउंटर करूंगा। नहीं, समीर में इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन सारी है, तौरात, ज़बूर, यानी जितनी आसमानी किताबें हैं सब इंपॉर्टेंट है। हाँ, बस उसका जो है अल्लाह ताला ने जो है कोई वो नहीं लिया था, मतलब कि सिक्वेयर का कोई अल्लाह ताला ने वो चैलेंज नहीं लिया था, इसलिए नहीं लिया था क्योंकि वो कुछ वक्त के लिए थी और एक जगह के लिए थी, इसीलिए जो है अल्लाह ताला ने नहीं लिया था। लेकिन कुरान का जो है जो आपका टाइम पूरा सिक्वेयर हो है गया, अल्लाह, आपका टाइम पूरा हो गया, माय डन। हाँ, बड़ी मजे की जगह डिस्कशन आ गया और अभी फाइनल होने वाला है। प्यारे भाइयों, प्यारे भाई ने ये कहा है कि आपको किसने कहा है कि अल्लाह ने फेल एक्सपेरिमेंट किए हैं? कौमे समूद, उन्होंने अपने नबी की बात नहीं मानी। कौमे आद, उन्होंने अपने नबी की बात नहीं मानी। कौमे नू, उन्होंने अपने नबी की बात नहीं मानी। कौमे शीश, उन्होंने अपने नबी की बात नहीं मानी। कौमे इदरीस, उन्होंने अपने नबी की बात नहीं मानी। मेरे प्यारे भाई, और बहुत से ऐसे नबी हैं तुम्हारे, शीश अलैहि सलाम हो और बहुत सारे नबी जिनका जिक्र नहीं, जिनका नाम नहीं है, उनको तो उनकी कौमों ने, जब वो पेड़ के अंदर छिप गए भाग करके अपनी जान बचाने के लिए, उनकी कौमों ने वो पेड़ ही काट डाला, उनको चीर डाला आरों से। आपके नबियों को आपके उसी कौम ने, जिस कौम के ऊपर उसको नबी बना करके भेजा था, उन्हीं कौमों ने उनको चीर डाला। और खुद आपके रसूलुल्लाह की हदीस है, बाकायदा हदीस भी सब स्क्रीन पर रखता हूं अभी मैं, उसमें आपके रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि बाज नबी ऐसे होंगे जो आखरत में अल्लाह के सामने खड़े होकर के ये मिन्नत और खुशामद कर रहे होंगे कि हमने तो अपनी कौम को समझाने की बहुत कोशिश की और आपका मैसेज सही से भेजने की कोशिश की, लेकिन वो लोगों ने इस पर ईमान ना लाया, तो अल्लाह ताला सिर्फ उनको अपने फजल से ही माफ करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो जिम्मेदारी दी थी वो उन्होंने मुकम्मल ना की, वो उन्होंने मुकम्मल नहीं की। तो मेरे प्यारे भाई, जब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल नहीं की और वो अपना मैसेज नहीं दे पाए, उनको उनकी कौमों ने आरों से चिरवा दिया, काट दिया, मार डाला, तो इसको फेल्ड एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे, तो इसको क्या कहेंगे? एक और सबसे बड़ी मजे की बात, आपका जो फाइनल रिवेलेशन है, फेल्ड का एक और एग्जाम देता हूं। बहुत से आप मुसलमानों को यह लगता है कि ये जो कुरान है, ये फाइनल मैसेज है, ये एक सक्सेसफुल मैसेज है, ये सबसे बड़ा फेल्ड मैसेज है, क्योंकि आपका अल्लाह कुरान के अंदर ये फरमाता है कि जिस इंसान को इस बात पर यकीन ना हो कि अल्लाह अपने नबी की दुनिया और आखिरत दोनों जगह हिफाजत करेगा, उसको चाहिए कि वो एक ऊंची जगह पर रस्सी डाल करके अपने गले में फांसी का फंदा डाल करके खुदकुशी कर ले। आपके रसूल अल्लाह को जहर दे करके मार दिया गया, आपके रसूल अल्लाह की मौत तड़प तड़प कर जहर की शिद्दत से हुई, आपका अल्लाह हिफाजत नहीं कर पाया, लिहाजा आपके आखिरी नबी को भी उसकी कौम ने मार डाला, तो ये एक और फेल्ड मैसेज है आपका। आपका टाइम शुरू होता है अब, काउंटर। हाँ, तो समी भाई आपने कहा कि जो है जितने सलाम को जो है उनके उम्मतियों ने झुटलाया, और इसी तरीके से मूसा सलाम के उम्मतियों ने उनको झुटलाया। अरे तो आप सलाम के उम्मतियों ने भी तो झुटलाया, आप झुटला रहे हैं, अबू जहल ने झुटलाया, अबू लहब ने झुटलाया, तो हर कौम ने जो है अपने नबी को झुटलाया है, लेकिन उसमें से कुछ लोग ने नहीं भी झुटलाया, जैसे कि यहीं पे एग्जाम्पल है, जैसे मैं नहीं झुटला रहा हूँ, आप झुटला रहे हैं। इसी तरीके से जो है बहुत सलाम की कौम के लोगों ने झुटलाया, तो हर इंसान ने अपनी कौम के लोगों को झुटलाया है और नहीं झुटलाया है। और रही बात आप जो आपने कहा कि जो है कि जहर खा के मर गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जो है ये अभी आपको प्रूफ करना होगा कि वो जहरी जैसे ही उन्होंने खाया वैसे ही वो मर गए, तो आपको ये बात अपनी प्रूफ करनी होगी अभी कि किसी भी सही हदीस से कि जैसे उन्होंने उनकी बहुत जहर सही हुई है। ठीक है, मैं अपनी बात पूरी करूँ। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सही जगह पर लाकर के मेरे आर्गुमेंट को छोड़ दिया है। अब लिहाजा
आपने ये कहा है कि लोगों ने ईमान नहीं लाया, वो लोगों की गलती, ठीक है चले मान लेते हैं कि लोगों ने ईमान नहीं लाया, वो लोगों की गलती, लेकिन अगर अल्लाह किसी बात का क्लेम कुरान में करता है और फिर वो बात उसकी झूठी हो जाती है, उस बात के मुखालिफ कोई अमल हो जाता है, लिहाजा अल्लाह के इस आखिरी फाइनल रिवेलेशन के ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसने जिम्मा लिया था रसूल अल्लाह की हिफाजत का कुरान के अंदर। टीम मेंबर हदीसों का नंबर एक एक करके बोलते रहे ना, सबसे पहले तो द एलिमेंट विच मोहम्मद रसूल अल्लाह डेड, तो वो वाली निकाल दो, और पॉइजन वाली हदीस का नंबर 4428 हिफाजत करेगा दुनिया में भी और आखरत में भी। अब इनका दावा था कि आप ये साबित करें कि रसूल अल्लाह की मौत जो है वो जहर की शिद्दत से हुई, तो लीजिए इन्होंने सही हदीस से कहा था मुझे, मैं सही बुखारी की हदीस से साबित करता हूँ सर। गो अहेड सर, पहली हदीस आपके सामने स्क्रीन पर, अगर मैं मल्टीपल हदीस दिखाऊंगा आपको। नरेटेड आयशा हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती है, द प्रॉफिट इन हिज एलिमेंट इन विच ही डेड, अल्लाह के रसूल सल्लम की हालत जिसमें उनका इंतकाल हुआ, यूज टू से कहा करते थे, ओ आयशा, ए आयशा, आई स्टिल फील द पेन कॉज्ड बाय द फूड आई एट एट खेबर, एंड एट दिस टाइम आई फील एज माय ओटा इज बीइंग कट फ्रॉम दैट पॉइजन, मैं अभी तक अपने गले में वो दर्द महसूस करता हूं उसका जो मैंने खेबर में खाना खाया था जिसमें जहर मुझे दिया गया था, और उसकी वजह से मेरे गले का ओटा, मेरी शहरग कट रही है। इससे साबित होता है कि रसूल अल्लाह की जो मौत है वो पॉइजन की वजह से हुई है, क्योंकि उसी की वजह से उनका शहरग उनकी कटी है, और ये आपकी सही बुखारी 4428 मोए मोए 5। हेलो जी उमर भाई, मैं एक मिनट में खत्म कर दिया सारा गेम, अब आप इसका काउंटर करें सर। मोए मोए 5 हो गया आपके साथ। नहीं नहीं तो ठीक है सर, जो आपने जो सर एक से काम हो गया, ये जो आपने हदीस दी इससे जो है कहीं से साबित नहीं होता है कि जो है अल्लाह के रसूल की मौत जो है एन उसी से उसी जहर से हुई थी जिस जो उन्होंने खाया था, वरना अगर ऐसा हुआ था तो उनको ये कहना चाहिए था कि ऐसा जो जहर मैंने खाया था आज लग रहा है उसकी वजह से मेरी मौत हो जाएगी। आप जो जहर का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो अब जो पॉइजन होता है तो वो तो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में असर करता है, उसके लिए 3 साल लग गए। ऐसे जो किसी की भी कोई अगर जैसे कि मेरी अभी थोड़े दिन पहले मौत लग गई थी तो अभी तक की मुझे उसका दर्द हो रहा है। हदीस दोबारा पढ़ो, हदीस दोबारा पढ़ो सर, हदीस दोबारा पढ़ो। मसला पता है क्या है टीम मेंबर भाई, मसला पता क्या है, जब मैंने हदीस पढ़ी थी ना तो भाई ने शायद ध्यान से सुना नहीं है, अभी इन्होंने कहा है कि उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि उस जहर की वजह से मेरी मौत हो रही है। अरे भाई जिंदा आदमी क्यों बोलेगा कि मेरी मौत हो गई, अभी तक तो जिंदा है, और जब जिंदा है तभी तो बोल रहा है। लेकिन कह क्या रहे हैं कि जो जहर मुझे खेबर में खाने में दिया गया था उसकी वजह से मेरे गले की शहरग कट रही है, उसकी वजह से, उस जहर की वजह से मेरे गले की शहरग कट रही है, और ये कब कह रहे हैं, जब मरने की हालत में है। तो मेरे प्यारे भाई और क्या कहेंगे नबी, और क्या कहेंगे कि मैं मर गया जहर खा के, जिंदा कहेगा मैं मर गया। जी भाई समीन भाई मैं आपको एग्जांपल तो दे रहा हूं कि जो है हदीस ट्रांसलेट करें एक एक वर्ड, आपने जो बात करी है आपने बिल्कुल इस हदीस के मुखालिफ बात करी, हदीस एक्चुअली ऐसा ही करे, मैं एक एक वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करता हूं। नरेटेड आयशा, आयशा रिवायत करती है, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हिज एलिमेंट, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हालत में, इन विच ही डेड जिसमें उनकी मौत हुई, यूज टू से कहते थे, ओ आयशा, ए आयशा, आई स्टिल फील द पेन, अभी भी महसूस करता हूं दर्द, कॉज बाई द फूड उस खाने की वजह से, आई एट एट द खेबर जो मैंने खेबर में खाया था, एंड एट दिस टाइम और अब इस वक्त, आई फील मुझे ऐसा लगता है, एज माई ओर्टा जैसे कि मेरी शहरग इज बींग कट रही है, फ्रॉम दैट पॉइजन उस जहर की वजह से। यही आपका मुतालबा था, यही हदीस में लिखा हुआ है। जी भाई चलिए ठीक है, फिर से हम आपको जो है कोई एग्जांपल नहीं देंगे, ठीक है मैंने आपकी बात मान ली, आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन आप इससे जो है प्रूफ क्या करना चाहते हैं, ठीक मैं आपको चाहूं एग्जांपल दूं। ओके बहुत 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 शुक्रिया कि आपने मान लिया, आपने पूछा था, आपने कहा नहीं सुने टीम मेंबर, आपने कहा कि मैंने मान लिया, तो मेरे भाई इससे मैं वही साबित करना चाहता हूँ जो तुम्हारा सवाल था। तुमने कहा आखिरी रेवलेशन कुरान है, उसमें लिखी हुई हर बात सही है, उसी कुरान में अल्लाह ने जिम्मेदारी ली थी तुम्हारे रसूल की हिफाजत की, एक यहूदी औरत ने जहर दे दिया वो मर गए, हिफाजत नहीं हुई, क्लेम खत्म हो गया कुरान का भाई साहब, और साथ ही आखिरी रिवेलेशन भी फिर से एक फेल रिवेलेशन हो गई। मोए मोए सर एक बात ऐड कर सकता हूं मैं, अगर सर एक बात ऐड कर सकता हूं हेलो जी टीम मेंबर जी एक मिनट रुके उमर भाई, मैं पहले जी टीम मेंबर अब बोले सर, रसूल अल्लाह को जब जहर दिया गया था कई जगहों पे ये भी रिवायत होती है, मैं इस समय नंबर दे भी सकता हूँ, अगर मेरे को 10-15 मिनट लगेंगे मैं नंबर भी दे दूंगा, जिसमें वो कहते हैं कि मैं एक यहूदी औरत के हाथों मरना नहीं चाहता। अरे भाई रसूल अल्लाह इससे भी ये साबित होता है कि यहूदी औरत इतनी सुनिए
अगर हम एक मिनट के लिए इस हदीस को साइड भी कर दें और ये भी मान लें कि अल्लाह के रसूल की मौत चले इस जहर की वजह से नहीं हुई है, किसी और वजह से हुई है, तब भी मेरे भाई हजरत आयशा की उस हदीस का क्या करेंगे आप, जिस हदीस में हजरत आयशा कहती है कि रसूल अल्लाह की दर्दनाक मौत देखने के बाद मुझे किसी की भी मौत ने तकलीफ ना दी, ऐसी तो हिफाजत की तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हारे रसूल की कि दर्दनाक मौत मरे, और ये कहा आयशा को आखिरी वक्त में, ए आयशा मुझे पेशाब करना है जरा वो बर्तन लेकर के आओ। रसूल अल्लाह के लिए बर्तन लाया गया, रसूल अल्लाह ने मूता और मर गए, इधर मूता उधर मर गए। इतनी बेहतरीन मौत किसकी होती है यार, वो भी उसकी जिसकी कुरान में हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया हो। कम ऑन मैन, कम ऑन, जस्ट ब्रिंग सम गुड नॉलेजेबल पर्सन फ्रंट ऑफ मी टू डिफेंड इस्लाम, कोई ढंग का आलिम लेकर के आओ यार। हेलो, बोल सकता हूँ? बिल्कुल, अब आप अपना आखिरी स्टेटमेंट रखेंगे क्योंकि आपके साथ डिबेट डिस्कशन फाइनल हो गया है। सर रखें सर। ठीक है, हाँ समीर भाई, आपने जो कहा कि जो है कुरान ने जिम्मा लिया है कि जो है सबकी जो है अल्लाह ताला जो है अपने नबियों की जो है मदद करेगा, तो जाहिर सी बात है जो है जो नबी है वो है तो इंसान, फरिश्ते तो है नहीं जो कभी नहीं मरेंगे। नबी नहीं, करेक्ट कर रहा हूं, रोक रहा हूं, करेक्ट कर रहा हूं, सुनो 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 सुनो, करेक्ट कर रहा हूं, रोक नहीं रहा हूं, करेक्ट कर रहा हूं, नबी नहीं रसूल, और रसूलों की नहीं सिर्फ एक रसूल का जिम्मा लिया है अल्लाह ने, वो भी आपके मोहम्मद का, कि जिसको ये लगता है कि हम अपने रसूल की, रसूलों की नहीं, रसूल की दुनिया और आखिरत की जिंदगी में हिफाजत नहीं करेंगे, वो जाकर के फांसी लगा ले। मुझे लगता है अल्लाह को खुद फांसी लगा लेनी चाहिए क्योंकि हिफाजत नहीं कर पाया। अब आप अपना पूरा सेंटेंस बोल रहे, मैंने बस करेक्ट किया। ठीक है, चलिए ठीक है, आपने करेक्ट कर दिया, मुझे बोलने दीजिएगा प्लीज, कोई मुझे जो है बीच में जो है कॉन्ट्रेडिक्ट ना करे, मुझे बोलना। हाँ, तो आपने कहा कि जो है यहाँ अल्लाह ताला ने जो है जिम्मा लिया है कि जो है वो अपने इस रसूल की यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करेगा। हाँ मदद करेगा, बिल्कुल मदद करेगा, लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कोई फरिश्ता तो है नहीं जो हमेशा जिंदगी रहेंगे, अल्लाह ताला की इनको मौत इनको आनी है एक दिन, ये थोड़ी कि उनको हमेशा से जिंदा पूरी जिंदगी कयामत तक इनको जिंदा रखे। मदद में ये मैं आपको यहाँ साबित कर दे रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि जंगे ओहद में 313 मुसलमान की बात नहीं है, गलत, फिर से तुमने मेरी बात को पलट दिया, फिर से पलट दिया, बात हिफाजत की हो रही है मदद की नहीं। हिफाजत से मदद पे मत जाओ, हिफाजत पे आओ, मदद पे मत जाओ, मदद क्यों रिप्लेस कर रहे हो हिफाजत से? ये तुम्हारे दोगलेपन का सबसे बड़ा सबूत है कि तुमने हिफाजत को बदल के मदद कर दिया। मदद की तो बात ही नहीं कर रहे, हिफाजत की बात कर रहे हैं। हिफाजत की बात करूंगा, आपने कहा कि जो है अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है मैं इस रसूल की हिफाजत करूंगा, तो ये जाहिर सी बात है जो रसूल है ये इंसान है, फरिश्ते नहीं है, क्योंकि फरिश्ते होते हैं वो कभी नहीं मरते, इंसान है तो इनको एक ना एक दिन मरना ही है, चाहे 63 साल की उम्र में, चाहे 163 उम्र की उम्र में। अरे बोलने सर, क्यों बुलाते हैं मुसलमानों, फिर मुसलमान आते हैं? टीम मेंबर बोलने दो, टीम मेंबर बोलने दो, बोलो भाई साहब, आपका आखिरी आखिरी आर्गुमेंट है, आखिरी क्लेम है, ये भी मौंधे मुंह गिरेगा, मैं निकाल रहा हूं तब तक। हाँ, तो कहा कि अल्लाह, आपने आपका क्लेम था कि जो अल्लाह ताला ने जो इस रसूल की हिफाजत का जिम्मा लिया कि इसकी हिफाजत करेगा, तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि जो रसूल है ये इंसान है, ये फरिश्ता नहीं जो हमेशा जिंदा रहे, इसको हमेशा की जिंदगी मिले, एक ना एक दिन मरना है, चाहे 63 साल की उम्र में मरे, चाहे 163 साल की उम्र में मरे। हिफाजत की मैं आपको प्रूफ दिए दे रहा हूँ, अल्लाह ने हिफाजत की, जब 313 मुसलमान थे और हजार हजार उनके सामने काफिर थे जो जिनके साथ जो अच्छे से अच्छे जो उनके पास हथियार थे, वहां पर अल्लाह ताला ने हिफाजत की, वहां पर अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल की हिफाजत की, शिकस्त दी 1000 काफिर। अबे जाहिल, अब तेरा ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये बता रही है कि तू फट गया, तेरा गेम ओवर हो गया, भाग गया, ऐसी तो हिफाजत की थी अल्लाह ने उस जंग में तेरे रसूल की, के चार दांत शहीद हो गए थे, दांत टूट गए थे, और लगाना कि अब तेरी छितरोल अच्छी होगी, तो कैसे फट के भागा वो, और भाग गया, तुरंत भाग गया।